दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों 44 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, ओले भी गिरेंगे, 20 मई तक हीट वेव से राहत मिल गई है यूपी वालों को। कल 6 शहरों में बरसात हुई थी। आइए जानते हैं मौसम अपडेट के बारे में, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों में 4 दिनों तक बारिश हो रही है। आपको बता दें मौसम विभाग ने आज भी 44 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ओले भी गिरेंगे, 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रदेश में 20 मई तक गर्मी और हीट वेव से लोगों को राहत मिलेगी। कल 6 जिलों में बारिश हुई थी। बरेली में सबसे अधिक 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है। गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी में भी बरसात हुई है। आज 44 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। आप अपने जिले का नाम इसमें देख सकते हैं, जिसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, बस्ती, कुशीनगर, महरा, सिद्धार्थनगर, इटावा, औरैया, जालौर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुल 44 जिलों में बारिश होनी है। प्रदेश में झांसी सबसे गर्म शहर रहा। दोस्तों उत्तर भारत में अभी हीट वेव नहीं चल रहा, इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ा है। 20 मई के बाद कहीं कहीं पर हीट वेव चलेगी। वही प्रदेश में झांसी लगातार तीसरे दिन सबसे गर्म शहर रहा है, जहां पर 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 20 मई तक लोगों को राहत मिली रहेगी हीट वेव से, यानी बारिश होगी, मौसम ठंडा रहेगा, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वही हरियाणा, दिल्ली, कानपुर मंडल सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश होगी। हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर पहुंच गई है। इससे केवल एक घंटे में तापमान 36 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, यानी एक डिग्री तापमान गिर गया है। बीती रात आंधी के चलते बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान भी पहुंचा है। देखिए 11 मई को 6 जिलों में बरसात हुई, जिसमें आप बारिश देख सकते हैं कितनी मिलीमीटर हुई है। सबसे ज्यादा तो बरेली में दर्ज की गई है। आंधी के साथ ओले भी गिरेंगे। डॉक्टर पांडे ने बताया कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है, जो वायुमंडलीय अस्थिरता पैदा कर रहा है। दिल्ली, पंजाब के साथ कुछ हिस्सों पर जैसे हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, या कानपुर मंडल समेत मध्य उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी बारिश होगी। बिजली गिरने और ओला पड़ने की भी संभावना जताई गई है। फिलहाल मिट्टी की नमी से फसलों को फायदा होगा। मौसम में बदलाव से उत्तर भारत में भीषण गर्मी से तो राहत मिली ही है, साथ ही फसलों को भी फायदा होगा। यह बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। अब प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान आप देख सकते हैं। जैसे आगरा में अधिकतम तापमान 40 के आसपास है, अयोध्या में 38, बरेली में 31, गाजियाबाद में 36, गोरखपुर में 38, यानी कि तापमान 40 के नीचे है, जो अच्छी बात है। मौसम ठंडा रह रहा है, भीषण गर्मी नहीं हो रही, लोगों को राहत मिली है। 20 मई तक ऐसे ही राहत मिली रहेगी। आप किस जिले से हैं कमेंट करिएगा। ऐसे ही वेदर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।